हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक, मजे में, एकदम चिल, जबरदस्त माहौल में। आई होप सबके साथ मजे में। जी, आज के दिन में मैं सोच रहा हूँ कि आज आप लोगों के साथ एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज डिस्कस करूँ। और इस इंटरेस्टिंग सी चीज को जानने के लिए डेफिनेटली आपने मेरे पेज को सब्सक्राइब करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है डेफिनेटली, और उसके साथ साथ आपने मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ इज आवर स्कोप। चाहते क्या हो, करना क्या चाहते हो? हम बहुत कंफ्यूजन में है यार। मैं लिटरली आपसे अगर मैं कहूँ कि हम आज तक ये नहीं जान पाते हैं कि एक्चुअली हु वी आर एंड व्हाई वी are and what we should be। मतलब हम इस चीज का फैसला ही नहीं करते हैं कि हमें क्या बनना है। हमारी जिंदगी के सारे साले फैसले जो है ना, वो इर्द गिर्द के लोग करते हैं, मोहल्ले वाले करते हैं बैठ के। हम ही नहीं करना होता, हम नहीं करते, ये हम कर नहीं सकते, बड़े इश्यूज हैं हमारे साथ। मैं आपको बात बताता हूं। एक शख्स है कि जिसने अपनी लाइफ में बड़ी हार्डशिप्स देखी और उसके बाद फिर उसने फैसला किया कि जनाब अब ऑलरेडी इतनी हार्डशिप्स और मजीद ना टेंशन उसकी बढ़ने वाली है। उसने फैसला किया कि भाई उसे बनना है टीचर, एक प्रोफेशनल टीचर, क्योंकि बड़ा नोबल प्रोफेशन मालूम होता है और है बिल्कुल। और उसके साथ साथ इसके जरिए से आप बहुत सारे इंजीनियर्स, बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत यानी डिफरेंट फील्ड्स के लोग बना सकते हैं इफ यू आर अ टीचर। और डेफिनेटली बड़ी जबरदस्त जो है वो किस्म का एक प्रोफेशन मालूम होता है। और अगर जैसे उस शख्स ने इस प्रोफेशन को ज्वाइन करने का इरादा किया तो खानदान वाले उलट गए, पलट गए भाई, घर वाले पलट गए। वो कह रही है क्या, माँ कहती है कि इंजीनियर बन जा, बाप कहता है बैंकर बन जा, ठीक है जनाब, वो बहनोई कहते हैं फलाना, बहन कहती है ये और भाई कहता है ये, सब के सब उस बंदे के बारे में अपना एक ओपिनियन रखते थे कि ये होना चाहिए। वो बंदा भी बड़ा पक्का था, उसने किसी की नहीं सुनी, वो ही किया जो दिल ने कहा, जो दिमाग ने कहा किया। अब अजीब अजीब सी बातें, अरे टीचिंग का क्या स्कोप है? कोई स्कोप नहीं। अरे क्या करोगे भाई, 10,000, 8,000, 20,000, 25,000, दैट्स इट, गवर्नमेंट की जॉब करोगे? तो मतलब इस तरह की बातें थी। मगर वो शख्स अपनी जगह डटा रहा, कोशिश करता रहा। 300 रुपए पर मंथ ट्यूशन से उसने ये पढ़ाने का सिलसिला शुरू किया। और आज वो शख्स एक बहुत बेहतर पे स्केल पे, जबरदस्त पे स्केल पे, एक अच्छे लाइफ स्टाइल में, एक बड़ी रिस्पेक्टेबल और एक सेटिस्फाइड जिंदगी बसर कर रहा। वो कोई और नहीं है, वो मैं हूं आपके सामने। आज मैं बहुत खुश हूं क्योंकि मैं वही कर रहा हूं जो मैं चाहता था, मैं वही करूंगा जो मैं चाहता हूं। जब कभी भी आप अपने सोच, अपने जहन, अपने दिल के मुताबिक फैसला करते हैं, याद रखिएगा स्कोप आप खुद उसका निकाल लेते हैं, आप उसका स्कोप बनाते हैं यार। आप उस फील्ड का स्कोप हैं, आप अपनी जगह अपने उस फील्ड के अंदर न्यूटन हैं, आप आइंस्टाइन हैं यार, आप हैं। आप अगर उस फील्ड में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, आप जरूर जरूर बेहतरीन काम करेंगे। आपकी एफिशिएंसी का लेवल बढ़ गया। आप जिस काम को 8 घंटे बड़ी मजबूरी की हालत में, मारी की हालत में आप करते, आज उसी काम को, अगर वो आपका शौक है, अगर आपकी वो लगन है, उसी काम को आप 14-14 घंटे करते हैं और आपको उसमें कोई थकन महसूस नहीं होती। दिस इज अ साइकी ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी। मजा आता है जिस काम के अंदर, इंसान को मजा आता है, दिन और रात का फर्क खत्म कर देता है। सो स्कोप यार कोई नई चीज है, मैं नहीं मानता। स्कोप आप बनाते हैं, आप अपने इंटरेस्ट की बेसिस पे काम करते हैं। फोटोग्राफर्स का क्या स्कोप था? आज दुनिया में अरबों डॉलर्स कमा रहे, अरबों रुपए कमा रहे हैं ये फोटोग्राफर्स। कहां ये सोशल मीडिया से रिलेटेड जो काम करने वाले लोग, इनका कभी कहां स्कोप था? आज उसका स्कोप है क्योंकि उन्होंने इंटरेस्ट लिया और ऐसे इंटरेस्ट से काम किया कि भाई दुनिया हैरान रहे, दुनिया हैरान रहे। ई स्पोर्ट्स का कहां था कॉन्सेप्ट, कहां था कॉन्सेप्ट? कंप्यूटर में बैठे बच्चा कोई गेम खेलो, दो चमाड़ लगा दे, बस साले आंखें खराब होंगे, अंधा होगा क्या? कंप्यूटर में गेम खेलो, चल दबा हो जा बात। सेंस था ना, बदल गया। आज मिलियन डॉलर्स अर्न कर रहे हैं लोग ई स्पोर्ट्स के जरिए से। सो दैट्स द चेंज यार। आप जो कुछ चाहते हो ना, आप वो करो, वही स्कोप है, उसी में स्कोप है। एंड डेफिनेटली यू वुड बी द विनर। आप अगर खुद को सोचते कि नहीं मैं फला की सुन लू, तो यार माजरत के साथ, सुनने से काम नहीं बनता, करने से बनता है। So, मैंने बड़ी जबरदस्त सी मिसाल आपके सामने रखी कि यार स्कोप कोई चीज नहीं होती है, स्कोप आप बिल्डअप करते हैं, आप बनाते हैं, आप उसके पायनियर होते हैं। दुनिया में बहुत से ऐसे काम जो आज तक नहीं हुए, जो पहली दफा हुए, जो करने वाला बना वो सबसे ज्यादा कामयाब बना, सबसे ज्यादा कामयाब रहा। बहुत से कॉन्सेप्ट नहीं थे मगर लोगों ने इंट्रोड्यूस किए। सो वो कॉन्सेप्ट जब इंट्रोड्यूस हुए तो उन कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करने वाले लोगों को बड़ी फेम मिली, नेम मिला। कहां थी फेसबुक, है ना, कनेक्शन बनाया लोगों के दरमियान है। तो यार हमारे अंदर भी क्रिएटिविटी का सेंस होना चाहिए, हमारे अंदर भी इंटेलिजेंस होनी चाहिए, हमारे अंदर भी इंटेलेक्चुअल बेसिस पे काम होना चाहिए। तो स्कोप खुद है, आप खुद हैं स्कोप यार। मैं स्कोप हूं, आप स्कोप है, हम सब स्कोप रखते हैं। हम फील्ड्स में जाने वाले नहीं, हम फील्ड्स को बनाने वाले लोग होते हैं। सो जस्ट ट्राई टू बिलीव इन योरसेल्फ।
Just try to believe in yourself. Don't make yourself a static person. Just make yourself ready to do something good. And just try to hear what you think. What you think. What you believe. Try to hear that sound. सुनने की तो कोशिश करें यार. दुनिया आ जाए भाड़ में. दुनिया में जो होना है वो होकर रहेगा. अगर आप और मैं या कोई जलील हो रहा है तो जलील तो होते हैं ना, कोई टेंशन नहीं है. काम जो दिमाग में है ना, जिस दिन वो हो जाए यकीन कीजिए उस दिन आप जो है वो सीधा क्लिक करते हैं, मजे करते हैं. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं अभी कहने वाला हूं कि सबसे अहम चीज इसमें ये होती है कि आपकी इनर सोल, आपका इनर सोल सेटिस्फाई होता है. आप मुतमइन होते हैं दैट व्हाट यू हैव बीन प्लानिंग यू हैव डन इट. What you have been seeing in future, you have done it. तो यार ख्वाब भी देखें, ख्वाब पर सच बनाने के लिए कोशिश भी करें और ख्वाब वो देखें जो आपके. किसी के ख्वाबों को पूरा करने के लिए भाई अपनी ऐसी की तैसी नहीं करें. साफ लफ्जों में, बड़े ना आसान लफ्जों में करें, जो आपका ख्वाब है ख्वाब देखें, ख्वाब पूरे करें. ख्वाब अच्छे होते हैं, ख्वाब सच्चे होते हैं, ये आपको रास्ता दिखाता है, आने वाले वक्त के बारे में सजाता है. So this is the best time. And I think कि यार बेस्ट टाइम काम का वो होता है जब आप 100% उस काम के लिए तैयार हो जाएं, ज़हनी तौर पे तैयार हो जाएं कि हाँ मुझे ये काम करना है. ये बेस्ट टाइम है. एज मैटर नहीं करती है भाई. अभी मैं देख रहा था कल सोशल मीडिया पे एक बाबा जी डांस कर रहे थे. वो क्या डांस कर रहे थे भाई, 60 प्लस में होंगे भाई, सफेद दाढ़ी, क्या मतलब आखिरी. तो एज मैटर नहीं करती बहुत सारी जगह पर. योर विलिंगनेस मैटर्स अलॉट, योर विलिंगनेस मैटर्स अलॉट. मैकडोनल्ड के जो ओनर रहे, जो उसके पायनियर रहे भाई, उनके बारे में भी कुछ पढ़िएगा जरा. KFC के जो बनाने वाले रहे, मैंने मैकडोनल्ड गलत नाम दिया, KFC के बनाने वाले जो रहे उनके बारे में जरा स्टडी कीजिए कि कितनी बार वो बंदा नाकाम हुआ और कितनी बार नाकामी के बाद वो कामयाब हुआ. So this is a part of life. Just decide yourself what you want to be in future and just stick to one. Stick to that one. जुड़ जाए उस काम से यार. स्कोप कोई चीज नहीं है, स्कोप आप. That's it for today. आज के इस छोटी सी वीडियो में मैंने समझाने की कोशिश की कि यार जस्ट थोड़ा सा ना चीजों को डिफरेंट एंगल से देखना जरूरी है. अब वो वाली सारी पुरानी बातें खत्म हो जानी चाहिए कि जरा वैसा है वैसा है, फलां साहब बैंक में जॉब करेंगे तो जिंदगी अच्छी गुजरेगी. अरे बैंक में जॉब करके कैसी जिंदगी अच्छी गुजरेगी? बैंक के लोन अदा करते करते मर जाओगे, इतने खर्चे हो जाएंगे कि आप मतलब मैं कुछ कहना नहीं चाह रहा, अच्छी बात नहीं है, मगर आपको समझ में आ रहा है कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ. ठीक है ना, बहुत खर्चे होंगे, इतने खर्चे मतलब ठीक है. आप अपनी लाइफ को सिंपल करें यार, जो चाहते हैं वो करें. बैंकर बनना चाहते हैं बने, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं बने, आर्टिस्ट बनना चाहते हैं बने, जो बनना चाहते हैं वो बन गए ना, यकीन करो दुनिया तुम्हारे कदम चूम लेगी. पर अगर जो तुम बनना नहीं चाहते हाँ वो ही तुम बन जाते हो तो अल्टीमेटली तुम वो नहीं कर सकते जिसके तुम हकदार थे, जो तुम्हारे अंदर कैपेसिटी क्वालिटी थी. So that's end of this video right now. And please kindly subscribe my channel and share my videos as much as possible. That's it. Allah Hafiz.